सतगुरु साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला दिवस और होली मिलन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। इस मौके पर भारी संख्या में संस्था से जुड़ी महिलाएं मौजूद रही, जिन महिलाओं को सशक्तिकरण करते हुए संस्था ने आत्मनिर्भर बनाया। उन महिलाओं ने मंच से अपने विचार और अनुभव साझा किए। सक्षम रसोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो संस्था की ओर से चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को कुकिंग की ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। साथ ही एक नई पहल सखी क्लब के नाम से भी की गई, जिसमें महिलाओं को कानूनी मदद और सरकारी सहायता से अवगत करवाना है। मैं आज जितनी भी मेरी मातृशक्ति हमारी बहनें यहाँ आई हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि सभी के साथ कुछ ना कुछ कार्यक्रमों को लेके व्यवस्था चल रही है वो बहुत ही शेड्यूल सभी का टाइट रहता है, लेकिन उस टाइट शेड्यूल से भी सबने टाइम निकाला, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो सब आई। और जो हमने आज का ये कार्यक्रम रखा था महिला दिवस के उपलक्ष्य में रखा था कि सभी बहनों को हम लोग आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें, वो आत्मनिर्भर बन सकें, अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, जिसके लिए हमने आज सखी क्लब का उद्घाटन किया है, जिसके अंतर्गत हम महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होना और जो परिवार की एक जिम्मेदारी निभाती हैं और निभाते निभाते कई बार क्या होते हैं हमारी बहनें पीछे रह जाती हैं, आगे बढ़ नहीं पाती, उनको डिजिटल की ट्रेनिंग, उनके हेल्थ की जो भी इश्यूज हैं और जो भी उनकी लीगल प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के ऊपर हम ये सखी क्लब के माध्यम से उनको देंगे, ताकि वो आगे बढ़ सकें और हमारे साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिला के संस्था और सखी क्लब और ये हमारी सारी मातृशक्ति उनके साथ हम खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर, जिसके लिए आज हमने कुछ हमारी बहनों को पदों पर नियुक्त किया है ताकि वो इस जिम्मेवारी को निभा सके। सक्षम रसोई कहाँ तक पहुंची? सक्षम रसोई हमारी बहुत अच्छे चल रही है, और सक्षम रसोई के लिए हम लोगों ने जो महिलाएं घर बैठकर कार्य करना चाहती हैं, उन्हें हम ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए सक्षम रसोई का प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं कि जो भी महिलाएं हैं हमसे ट्रेनिंग लेके उस काम को शुरू कर सकती हैं अपने घर पर ही, वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि आजकल जो महिलाएं हैं वो बाहर जाना कम पसंद करती हैं, जैसा आजकल का माहौल है आप देखते हैं कि सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षा के प्रावधान को देखते हुए हम लोग ये जो है सक्षम रसोई का जो हमने प्रोजेक्ट है वो हमने घर से ही स्टार्ट किया कि वो यहाँ पे हमारे सेंटर पर आकर ट्रेनिंग लें, और ट्रेनिंग के बाद हम उनको उनका काम शुरू करवाते हैं कि वो घर से खाने को बेच सकती हैं, और सारी उनको प्रोसेस उनको पूरा सिखाया जाता है। और उसके अलावा हमने 11 रुपए की थाली प्रत्येक गुरुवार का शुरुआत करी है, जिसमें हम 11 रुपए की थाली में उनको भरपेट भोजन करवाएंगे। तो मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम में हमारे साथ बहनें हमारी जुड़ें, और भी हमारा भाई समाज भी हमारा पुरुष प्रधान समाज है, तो वो भी हमारे साथ इस मिशन में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। महिला उठते ही काम करने लगती है और सब सारे सो जाते हैं, सभी सो, और मैं इन महिलाओं का बहुत ही सम्मान करती हूँ जो छावला से या रोहिणी से या भवाना से आई हैं। वो क्यों आई हैं? वो इसलिए बता रही हूँ, वो इसलिए आई हैं कि आप लोगों को प्रोत्साहित कर सकें कि अगर हम भवाना से आ सकते हैं, हम लेक्चरर हुए हैं, वो भी तो महिला हैं, और उन्होंने जैसे बताया बिहार क्षेत्र से, उनको मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। लोग कहते हैं वेस्टर्न पे आ जाते हैं, क्यों आते हैं हम? अध्यक्षा कविता कुमार लगातार अपनी संस्था का विस्तार कर रही हैं। इस कार्यक्रम में दिल्ली के कोने कोने से महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। महिलाओं की संख्या इतनी ज्यादा रही कि बैठने का स्थान भी कम पड़ गया था। महिलाओं का कहना था कि संस्था से जुड़ने के बाद उनके जीवन में बदलाव आया है, जिसके लिए वह अध्यक्षा कविता कुमार की आभारी है। इस मौके पर भारी संख्या में महिलाओं का स्वागत भी किया गया और सखी क्लब के लिए नई नियुक्तियां भी नियुक्त की गई। मौके पर
जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ यहाँ की संस्थापिका कविता कुमार का, जिन्होंने हमें आज इस अवसर पे बुलाया होली मिलन, और इनकी जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप जो ये चला रही हैं काफ़ी वर्षों से धरातल रैप पे रह कर के कार्य कर रही हैं, उन सभी महिलाओं को सम्मानित करने हेतु व हमें इन्होंने जो सखी क्लब आज शुरुआत की है महिला दिवस के उपलक्ष्य में, उसका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि सखी क्लब में उन्होंने हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे बनाया गया है। मैं इतने बड़े दायित्व के लिए उनका आभार प्रकट करती हूँ और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनके लिए। और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो उसे मौखिक रूप से ना करके उसे यथार्थ पर चित्रात करके हमें उतारने के लिए जो प्रेरणा मिलती है वो इसी प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा की मिलती है। और मैं आज मुझे यहाँ बुलाया गया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो कविता जी ने एक सखी क्लब का ग्रुप का आरंभ किया है, और इसमें अलग अलग लेडीज़ जो काम कर रही हैं अलग अलग तरह से, उनको प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, आज सर्टिफिकेट भी उन्हें बांटे गए हैं, और बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ सारी लेडीज़, और मुझे आज नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है नेशनल लेवल में सखी क्लब में, तो उन कविता जी का भी मैं इस के लिए भी धन्यवाद करती हूँ और थैंक यू वेरी मच। देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, ऐसे में संस्था यदि महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है तो इसका असर पूरे समाज पर दिखाई देता है। सक्षम रसोई जहां कम दामों पर एक प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध करवाती है, तो वहीं इससे जुड़ी महिलाओं को रोजगार भी मिलता है। तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। मैं आज इस प्रोग्राम में आई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ग्रास रूट लेवल की महिलाओं को एम्पावर्ड करके कविता जी जो काम कर रही हैं वो अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि सीढ़ी के नीचे ढलान से इन महिलाओं को ऊपर उठाकर जो जीवन के विविध आयाम हैं वहाँ पर कविता जी ने काम किया है। आज मेरा इनसे पहली बार रूबरू होना हुआ था और मैंने देखा कि महिलाओं को स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स के रूप में, जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स है या मसाले बनाने, सैनिटरी पैड्स के काम है, सिलाई का काम है, यहाँ तक कि पूजा का भी सामान बेचने जैसे काम को प्रोत्साहित करके इन्होंने महिलाओं को जुबान दी है। और जब कोई महिला अपनी आवाज़ बुलंद करती है तो समाज में खुद सम्मान पाती है। उन्होंने आज एक सखी क्लब का भी उद्घाटन किया और यह सखी क्लब नेशनल लेवल पे काम करेगी, जहां सभी महिलाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा और कविता जी के नेतृत्व में विविध आयामों को के अंतर्गत इन महिलाओं को अपने अपने मुकाम को पाने के लिए कोशिश की जाएगी। इसके लिए मैं कविता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। अक्सर महिलाएं मुसीबत के समय खुद को अकेला पाती हैं, जहां वह अपने लिए न्याय की लड़ाई नहीं लड़ पाती, लेकिन सखी क्लब के माध्यम से अब वह अपने अधिकार को पाने में सक्षम होंगी। समाज सुधार की दिशा में सखी क्लब एक बेहतरीन पहल है। मेरा नाम पूजा गोला है, मैं रोहिणी से आई हूँ, क्योंकि मैं एक ब्रांच भी चलाती हूँ। आज यहाँ हम लोग अतुल चौक पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि कविता दीदी ने आज एक सखी क्लब का हमने एक निर्माण किया है, जिसमें मेरे को वाइस दिल्ली प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो इसमें हम लोगों ने दीदी के साथ मिलकर पूरा जितने भी हमारी जो बहनें हैं छोटे पैमाने पे काम कर रही हैं उनको सब, हम उन सारी बहनों को जोड़कर उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जिससे वो अपना प्रोडक्ट बनाएंगी और उनका जो सेलिंग की जिम्मेवारी है, क्योंकि बनाता तो प्रोडक्ट हर कोई है बट जहाँ प्रॉब्लम आती है वो आती है सेलिंग पे। तो हम ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं उन लोगों बहनों की अपनी, क्योंकि वो सेल नहीं करा पा रही हैं, तो हम लोग उनसे सामान बनाएंगी और हम लोग के पास वो सामान आएगा जिस प्लेटफॉर्म पे हम उनका सामान बेचेंगे और उससे उनको एक इनकम भी जनरेट होगी। इसी के साथ साथ एक सक्षम रसोई का भी प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है जिसमें खाना होता है और हर थर्सडे को सक्षम रसोई के द्वारा 11 रुपये में वो भरपेट लोगों को खाना खिलाया जाता है, जिसमें उनको अनलिमिटेड फूड दिया जाता है, जिसमें कोई आप ये नहीं कि आपको 2 चपाती दी जाएगी 3 जाएगी, आप 11 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हैं और जहां मर्जी से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, खाना वहां तक डिलीवर्ड भी होता है। तो इसीलिए कविता दीदी ने इतना बड़ा समाज के साथ महिलाओं के साथ जुड़कर इतना बड़ा एक अपने हमारे और अपने साथ मिलकर इतना दीदी ने बहनों के लिए सोचा और ये
कविता दीदी ही कर सकती है, उनके साथ हम लोग भी पूरा हम लोगों ने निश्चय किया है आज दीदी के साथ जुड़कर हम इस जो मुहिम इन्होंने चलाई है उसके साथ हम पूरा मन से इनके साथ हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ दीदी का जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया, सर्टिफिकेट्स दिए बहनों को, नए नए पद दिए। थैंक यू सो मच कविता जी। सतगुरु साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट लंबे समय से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की दिशा में तेजी से काम कर रहा है और इनके सच्चे प्रयास की वजह से ही आज महिलाएं संस्था के साथ जुड़कर सब रोजगार की शुरुआत कर रही हैं, जहां से वह अपने जीवन और अपने परिवार की स्थिति को बदल रही हैं। महिला सशक्तिकरण का इससे बेहतर उदाहरण और कोई हो नहीं सकता। महिलाओं के साथ हिंसा केवल मुंह से बोलना या हाथ से चोट पहुंचाना नहीं है, महिलाओं को कुछ ना सिखाना भी एक प्रकार की हिंसा है। ये समाज को समझना होगा और इस काम में आज स्वयंसेवी संस्थाएं अपना योगदान दे रही हैं, तभी कल को विकसित और समृद्ध भारत हमारे सामने होगा। तारीफ करनी होगी उन संस्थाओं की जो आज अपना गहरा योगदान महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में दे रही हैं।